मणिपुर हिंसा की आग में चल रहा है। पूर्वोत्तर में स्थित इस राज्य में लूट, हत्याओं और अशांति की खबरें आम हैं और मणिपुर में 3 मई 2023 से हिंसा का दौर शुरू हुआ था, लेकिन 16 महीने के बाद भी राज्य में शांति बहाली हुई है। ताजा मामला जिरीबाम जिले का है, जहां शनिवार को हुई ताजा हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है। मणिपुर में हालात की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वहां हिंसा में शामिल दोनों समुदाय के पास अब ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध में किया जाता है। सेना इस कदर मजबूत है कि उन्हें एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने पड़े हैं। पहाड़ों और घाटियों में लोगों ने बंकर बना रखे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर 16 महीने के बाद भी इस राज्य में हिंसा क्यों नहीं थम रही है। इसी को लेकर मणिपुर की रहने वाली और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की उत्तर पूर्व प्रभारी रुचिता शर्मा ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर एक बड़ी प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर अनिरुद्ध सुधांशु, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुभाष बिहारी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए मणिपुर के रहने वाली और पार्टी के नॉर्थ ईस्ट प्रभारी रुचिता शर्मा ने कहा कि जिस तरह से लगातार 16 महीने से मणिपुर में हिंसा हो रही है, सरकार जिस तरह से कार्यवाही करने में लगी हुई है, मुझे लगता है वो अभी कम है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और देश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अपील करती हूँ कि वो जल्द से जल्द हस्तक्षेप करें ताकि लगातार हो रही हिंसा को अच्छे से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमारे देश के ये तीनों नेता मणिपुर हिंसा पर हस्तक्षेप करते हैं तो जरूर मणिपुर को हिंसा से जा सकता है। वही और क्या कुछ कहा इन तमाम नेताओं ने, आगे सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, एक भारत के वासी होने के नाते, एक मणिपुर राज्य के नारी होने के नाते, मैं सिर्फ भारत सरकार से और विश्व के जो सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी से हम अनुरोध कर सकते हैं कि मतलब मणिपुर में जो अभी जो अत्याचार पे जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर, खासकर मणिपुर के हिंदुओं पर, उस पे थोड़ा सा सख्त और कार्यवाही करें ताकि आने वाले समय में मणिपुर में ऐसा बॉम्ब अटैक और फिर रॉकेट अटैक और ये ड्रोन अटैक का के वजह से जो लोग पीड़ित हुए हैं और दोबारा ना हो, इस वजह से हम सिर्फ भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि मतलब जल्द से जल्द एक संज्ञान लिया जाए ताकि मणिपुर में आने वाले समय में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे, जो महिलाओं पर हो रहे, जो युवकों पे हो रहा है, बच्चों पे हो रहा है और हमारे बुजुर्गों पे हो रहा है, वो अत्याचार खत्म हो जाए। बस इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा भारत सरकार ही हमारे मणिपुर को शांति बहाल लाने में हमारा मदद कर सकते हैं। इसलिए हम बार बार भारत सरकार से यही की मदद मांग रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके वहाँ पे जल्द से जल्द शीघ्रता से कोई सा भी ऐसा कुछ कर दीजिए ताकि मणिपुर में जो पहले से खुशहाल और बहाल थे वो दोबारा से लाया जाए। एनबीसी न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है। देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं, साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।